हेलो एवरीवन, आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग मेरा हेयर केयर रूटीन पूछ रहे थे, आप लोग मेरा स्किन केयर रूटीन पूछ रहे थे। तो आज मैं आपको अपना हेयर केयर रूटीन बताती हूँ। आपके बाल बहुत पतले हैं तो ये नुस्खा आपके लिए काम करेगा। एंड ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है जब आपको अपने बाल की थोड़ी सी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, ताकि आपके बाल झड़े ना, ताकि आपके बाल टूटे ना। तो एक देसी नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। कोकोनट ऑयल के कंटेनर में ही मैंने इसको डाला हुआ है एंड कोकोनट ऑयल से ही इसको मैंने बनाया हुआ है। तो मैं इसका प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गई थी जंगल में फ्रेश करी लीव्स लेने के लिए। वेल, ये आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है एंड आप ड्राई लीव्स भी ले सकते हैं। मेन है कि आपको उसको ऑयल बनाना है। देन उसके बाद मैंने उसको लाके अच्छे से धोया। धोने के बाद उसका पानी उसी में रहने दिया, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल के ग्राइंड भी कर लिया। ग्राइंड करने के बाद एक पेस्ट बन जाएगा उसका, उसको आपको कोकोनट ऑयल में डालना है। ध्यान रखना, ऑयल को थोड़ा सा पहले गर्म होने देना है आप। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ऑयल गर्म हो गया है, वैसे ही आप अपने पेस्ट को, जो करी लीव्स वाली पेस्ट था, उसको आप उसमें डाल दो एंड थोड़ी देर तक आपको पकाना है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी लहसुन भी ऐड कर दिए हैं। करी लीव्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके हेयर्स के स्पेशल होता है, ये हेयर फॉल के लिए ही। थोड़ी देर के लिए आपको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद एक कपड़ा लेना है, कपड़े से उसको निचोड़ के उसको अच्छे से फिल्टर आउट कर लेना है। मतलब जितनी भी पत्तियां हैं वो सारे कपड़े के ऊपर रह जाएंगे एंड आपको उसको निचोड़ना है, तो ऑयल सारा नीचे आ जाएगा कंटेनर में। एंड आप इसको किसी भी कंटेनर में कर सकते हो। मैंने जिस ऑयल में, जिसका ऑयल निकाला था, उसी में ही दोबारा बना दिया। एंड आप स्प्रे बॉटल में भी कर सकते हो एंड एप्लीकेटर वाला जो होता है आप उसमें भी कर सकते हो। दोनों ही काफी ज्यादा ईजी वे है एंड ये मैंने सबसे ईजिएस्ट वे बताया है आपको ऑयल बनाने का। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो यार, ये रहा इसका टेक्सचर, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। ये बिल्कुल हर्बल ऑयल टाइप बन चुका है। ये देख रहे हो आप, मेरे हाथ भी कितने ग्रीन हो गए हैं। ये देखो, हो रहा है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। और अब आपको मैं लगाने का आपको मेथड बताती हूँ। तो मोस्टली क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको जैसे आपने ऑयल लिया है, आपको जड़ों से लगानी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल अंदर अंदर तक हाथ डालना है ताकि आपके स्कैल्प पे अच्छे से ऑयल लगे। आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रगड़ना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, जैसे नॉर्मली बिल्कुल हम लगाते हैं उस टाइप से इसको लगाना है। अगर आप किसी और की हेल्प से लगवाओगे तो और भी ज्यादा अच्छा है ना। एंड अगर आप यहाँ पर ऑयल लगा रहे हो अच्छे से, तो आपको रिजल्ट धीरे धीरे यहाँ पर भी दिखता स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर आप स्कैल्प से अच्छे से ऑयलिंग कर रहे हो, ये वाली ऑयल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं, इसी का ही दूसरा स्टेप बनाऊं या फिर अब रहने दूं, आपको यही सफिशिएंट है या फिर वीडियो आपको पसंद ही नहीं आई है, वो सब चीजें बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड कौन से स्टेप से हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सबको हट मिलेगा। बाय बाय।